नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग तज्ञ नागपुर। आज हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। एनीमिया मीन्स शरीर में खून की कमी होना, एंड उसके अनेक प्रकार है, उसके रीजंस अलग है, और द मोस्ट कॉमन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी लोह की कमी होने के कारण होने वाला एनीमिया। आज भी भारत में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम बना है, क्योंकि आज भारत में 56% पीपल आर एनीमिक, यानी मोर देन 600 मिलियंस ऑफ पीपल आर एनीमिक। तो एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी इसके प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे जान लेते कि अपने शरीर में हर पेशी को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत रहती है, और जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं वो पूरे शरीर के हिस्सों में जाकर ऑक्सीजन देते हैं, और ये काम उसमें जो हीमोग्लोबिन जो रहता है वो करता है, और हीमोग्लोबिन का मेन सोर्स इज आयरन। सो लोह की मात्रा शरीर में बराबर से रहना ये पेशी को ऑक्सीजन मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एनीमिया कम हुआ, खून की कमी रही, तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? आमतौर पर थकान बहुत ज़्यादा लगती है, यानी रेजिस्टेंस कम होने का कारण कौन सा भी इन्फेक्शन ये जल्दी ज़्यादा बढ़ जाता है। खासकर महिलाओं में महावारी में खून ज़्यादा जाने से और ज़्यादा एनीमिया बढ़ जाता है। गर्भवती महिला में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दे आर एनीमिक, और व्हेन गर्भवती हो जाते हैं तो थकान ज़्यादा बढ़ना, बच्चा कुपोषित होना या प्रेगनेंसी के जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लीडिंग भी ज़्यादा बढ़ जाता है, पोस्टमार्टम हिमोरेज, डिलीवरी के टाइम पे जो खून जाता है वो उसका प्रमाण ज़्यादा होता है, और पेशेंट बहुत बार गर्भवती माताएं सस्टेन नहीं कर पाती, और माता मृत्यु का प्रमाण ये ज़्यादा हो जाता है, यानी अराउंड मैटरनल डेथ से डेथ में 20% आर ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और 50% ड्यू टू अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स। सो आप जान गए होंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का इतना क्यों इम्पोर्टेंस है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए? एक नॉर्मल महिला में 12 ग्राम के ऊपर हीमोग्लोबिन रहना ज़रूरी है। गर्भवती महिला में कम से कम 11 के ऊपर रहना ज़रूरी है। तो याद रखें, सबका हीमोग्लोबिन अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये रिसेंट स्टडी भी बताती है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टडी की, रिसेंट इंडियन स्टडी, उन्होंने ये बताया है कि वेजिटेरियन जो महिलाएं हैं उनके इसमें खून की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा यानी कम दिखाई गई है, और एनीमिया का प्रमाण ये ज़्यादा है। उसके साथ में पॉवर्टी, फॉल्टी फूड हैबिट्स ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अभी एनीमिया नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर आयरन रिच फूड, यानी सबको आयरन किस में है ये जानना ज़रूरी है। आयरन किस में ज़्यादा रहता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, देन ड्राई फ्रूट्स में, जैसे ड्राई ये है, डेट्स है, खजूर है या मनुका है, इसमें ज़्यादा रहता है। उसके बाद में फ्रूट्स में जिसको काटने के बाद फल काला हो जाते हैं, जैसे एप्पल है, अनार है, यानी फिर जैसे अपन कोशिमीर बोलते हैं, उसमें बीट में ज़्यादा रहता है, गुड़ में ज़्यादा रहता है, इसलिए गुड़ सिंगदाने लेना चाहिए, ऐसे हमेशा गर्भवती महिला को हम बताते हैं। तो ये सब लोगों ने जानना जरूर है कि किस में आयरन ज़्यादा है। नॉन वेजिटेरियन इसमें भी आयरन ज़्यादा रहता है, और जिनके जो महिलाओं में अब जो पेशेंट में एनीमिया है उन्होंने प्रॉपर सप्लीमेंटेशन लेना भी ज़रूरी है। इसलिए एक बहुत आम तौर पर जन जागृति होना ज़रूरी है। सो हमेशा याद रखें, हेल्थ अच्छी
अच्छी रहने के लिए हीमोग्लोबिन अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो आज का मंत्र है एनीमिया हटाओ का नारा। देना है हमें एनीमिया हटाओ का नारा। हेल्दी होगा हिंदुस्तान सारा।